हेलो एवरीवन, सो आज मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द सेकेंड स्टेप टू इंटरप्रेट एन एपीजे। आप में से जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसको जरूर देखें। उसमें मैंने नॉर्मल वैल्यूज डिस्कस करी हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस आज आपको समझ में आएगी। आप में से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं टाइमली एजुकेटिव वीडियोज आप तक शेयर कर पाऊं। इस वीडियो में मैंने आपको एपीजी इंटरप्रिटेशन की टेक्निक्स बताई हैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में, साथ ही लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी कोट करे हैं। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सो एपीजी इंटरप्रिटेशन में तीन चीजों पे हमको फोकस करना होता है। सबसे पहले पीएच वैल्यू पे, देन बाइकार्ब की वैल्यू पे और पीसीओ2 की वैल्यू पे। किसी भी पर्सन को एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, ये हमको उसके पीएच से पता चल जाता है, जो ब्लड पीएच की वैल्यू आती है। देन इस एसिडोसिस या एल्कोलोसिस का रीज़न क्या है, क्या ये मेटाबॉलिक है या ये रेस्पिरेटरी है, ये हमको बाइकार्ब और पीसीओ2 की वैल्यू से पता चलता है। सो अगर एसिडोसिस है पर्सन को, सो पीएच की वैल्यू 7.35 से कम होगी। नॉर्मल वैल्यूज ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से कम है, दैट मींस पर्सन इज हैविंग एसिडोसिस। अब इस एसिडोसिस का कारण क्या रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है? अगर रेस्पिरेटरी है, सो जो पीसीओ2 है वो रेज्ड होगा, वो बढ़ा हुआ होगा, यानी 45 mmHg से ज़्यादा होगा। अगर कारण मेटाबॉलिक है, तो बाइकार्ब की वैल्यू 22 से कम होगी। सो इससे हमको पता चलेगा कि एसिडोसिस का कारण क्या है, वेदर इट इज़ मेटाबॉलिक या इट इज़ रेस्पिरेटरी। अगर एल्कोलोसिस है, तो पीएच की वैल्यू 7.45 से ज़्यादा होगी। अगर रेस्पिरेटरी है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 35 से कम होगी, दैट मीन्स पीसीओ2 विल बी लेस देन 35। अगर मेटाबॉलिक रीजन है, दैट मीन्स बाइकार्ब बढ़ा हुआ होगा, दैट मीन्स इट विल बी मोर देन 26 मिली इक्विलेंट पर लीटर। सो सबसे पहले हम एसिडोसिस या एल्कोलोसिस फाइंड आउट करते हैं, देन हम पीसीओ2 की वैल्यू देखते हैं, फिर बाइकार्ब की वैल्यू देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, कॉज क्या है। अगर हम इसको सम अप करें, सो आप ये देख सकते हो चार चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिडोसिस में, दो वेदर इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेम वे एल्कोलोसिस में दो चीज़ें देखते हैं, क्या ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है या ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। सो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, डेफिनेटली पीएच डिक्रीज होगा और पीसीओ2 बढ़ा हुआ होगा, दैट मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जबकि बाइकार्ब की वैल्यू नॉर्मल रेंज में होगी। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, डेफिनेटली पीएच जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा, एंड पीसीओ2 अगर रीजन रेस्पिरेटरी है, सो पीसीओ2 जो हमारा वो डिक्रीज्ड होगा, लेस देन 35, बिलो नॉर्मल रहेगा। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सो एसिडोसिस मींस पीएच विल डेफिनेटली बी लेस देन नॉर्मल, एंड जो बाइकार्ब है वो भी डिक्रीज्ड होगा, यानी अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो दोनों पीएच और बाइकार्ब, अगर हम एरो का डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों सेम साइड में फ्लोट कर रहे हैं, एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में भी सेम वे, पीएच विल बी रेज्ड एंड बाइकार्ब विल बी रेज्ड। सो टू आइडेंटिफाई इन अ इजी मैनर, आप देख सकते हैं अगर आप एरोस के थ्रू जाएंगे, तो अगर रीजन रेस्पिरेटरी होता है, चाहे वो एसिडोसिस हो या एल्कोलोसिस हो, सो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। While in case of metabolic, whether it is acidosis or alkalosis, अगर reason metabolic है, bicarb है, तो दोनों के values का जो direction है, जो arrow का direction है, that will be in the same direction. An example, so pH we can see in this is 7.5. That means ये normal से ज़्यादा है, normal हमारा होता है 7.45. That means it is alkalosis. Next, PCO2 अगर हम देखेंगे, सो इट इज डिक्रीज्ड, कम है। आप एरो के डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एंड बाइकार्ब इज नॉर्मल। सो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा इस फाइंडिंग का, दैट पर्सन इज हैविंग रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस।
Next example. See here, the pH is 7.30, which suggests it is decreased. That means person has landed in acidosis. PCO2 dekhenge agar hum 55 mmHg, again it has raised. Okay, look at the direction of arrow. That means agar hum bicarb pe dekhenge to normal hai. Person is having respiratory acidosis. So dono hi cases mein aapne dekha, jo अगर हम एरो बनाते हैं तो आप दोनों एरो के अगर डायरेक्शंस को देखेंगे तो हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है. नेक्स्ट, पीएच इज 7.25 व्हिच इज लेस, दैट इज डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल, सजेस्टिंग एसिडोसिस. पीसीओ2 इज 43 व्हिच इज नॉर्मल. बाइकार्ब, सॉरी इट इज रिटन CO3, इट इज HCO3. बाइकार्ब इज 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट मींस इट हैज डिक्रीज्ड. See the direction now. So, dono same direction mein hai. That means, is acidosis ka reason is decreased. So, the interpretation is metabolic acidosis. And then last, 7.48. Again, it is increased. Person is having alkalosis. PCO2 is normal. Bicarb is 30. That means, it is increased. So, the person is having metabolic alkalosis. जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी पर्सन का रीजन है एसिडोसिस या एल्कलोसिस का, वो हम पहले लिखते हैं एंड देन उसको फॉलो करता है एसिडोसिस या एल्कलोसिस, एज इट इज रिटन हियर. पहले हमने रीजन लिखा मेटाबॉलिक एंड देन वी हैव रिटन एल्कलोसिस.